आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा फाइनली एक बंधन में बन गए हैं, जो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है। सगाई दोनों की हो गई है और सगाई की कई तस्वीरें हैं और कई क्यूट और खूबसूरत तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दोनों की जोड़ी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दोनों के साथ में जिस तरीके से बॉन्डिंग वो शेयर कर रहे हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। राघव चड्ढा को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा था कि शादी कब करेंगे। परिणीति चोपड़ा की शादी की भी बड़ी चर्चाएँ हो रही थी, लेकिन जब दोनों को साथ देखा गया तो फैंस को जवाब मिल गया कि दोनों के बीच में कुछ तो पक रहा है। अब दोनों की सगाई हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इसी साल के एंड तक दोनों की शादी भी हो जाएगी। हालांकि बहुत से पुराने वीडियोज़ हैं जो अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें राघव चड्ढा कहते हैं कोई लड़की है तो ढूंढिए ना, जिसमें परिणीति चोपड़ा कहती हैं कि नहीं नहीं पॉलिटिशियंस से तो मैं कभी शादी नहीं करने वाली। लेकिन होता है ऐसा, जब आपको आपका असल मायनों में बेहतर लाइफ पार्टनर मिल जाता है, आपको लगता है कि इसी के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है, तो कई बार आप पुरानी कही हुई बातों को दरकिनार करते हैं और दुनिया में उसके साथ आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं। राघव और परिणीति की जोड़ी मुझे पसंद आई है, मेरी तरह लाखों करोड़ों फैंस हैं उन्हें भी पसंद आई है। और ख़ास तौर से वो परिणीति का गाना गाना, राघव की तरफ देखना, दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग शेयर करना, एक दूसरे को हग करना या फिर किस करना, ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है और ये बताता है कि सगाई के बंधन में दोनों बंधे हैं, लेकिन बहुत अच्छा बॉन्ड दोनों के बीच में है और बहुत अच्छी दोस्ती दोनों के बीच में है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि दोनों की जोड़ी हिट रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और इनका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के कमेंट हो रहे थे, अलग अलग तरीके से बधाइयाँ दी जा रही थी, इस बीच विवेक अग्निहोत्री का एक ट्वीट है जो सवाल खड़े कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने एक तंज भरे अंदाज में एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट में लिखा क्या है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है, एक वेडिंग प्लानर ने मुझे बताया कि लोग जो आजकल शादी कर रहे हैं वो सिर्फ फ़ोटो वीडियो और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग शादियाँ कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हाँ सच है, मैं एक डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करने के लिए गया था और यहाँ पर किसी ने कहा कि वेडिंग फोटोग्राफर को आने में थोड़ी सी देर होगी, ये सुनते ही दुल्हन बेहोश हो गई। मतलब यहाँ पर उन्हें सीधे सीधे तंज करते हुए देखा जा रहा है। और ये जो ट्वीट है उनका, उसकी टाइमिंग है 13 मई 2023 रात 9:39 पर। और ये वही टाइम है जिस वक्त राघव और परिणीति की जो फोटोज थी वो सोशल मीडिया पर छा चुकी थी और ट्रेंड कर रही थी, लोग खूब पसंद कर रहे थे उनकी शादी के फोटोज़ को और वीडियोस को। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री का ये ट्वीट उन्हीं के लिए कई सवाल खड़े कर रहा है। और अब जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो उनसे अलग अलग तरीके से सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग उनसे ये कहते हुए नज़र आए कि भाई आपके ज़माने में ये सब कुछ नहीं होता था, तो क्या आपको जलन हो रही है? कोई उनसे कह रहा है कि भाई अगर कोई पैसे खर्च करने के लिए कैपेसिटी रखता है, सक्षम है, वो पैसा खर्च कर रहा है तो देख दिखावे से आपको क्या दिक्कत है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है अगर कोई दूसरा डेस्टिनेशन वेडिंग करता है या फिर फोटोज़ और वीडियोज़ अपने इस तरह के फंक्शंस के सामने रखता है। तो ऐसे कई यूज़र्स हैं, कोई कह रहा है कि आप कौन होते हैं बताने वाले कि दिखावा करना है या फिर नहीं करना, जो खर्च उठा सकेगा वो करेगा। ऐसे तमाम सोशल मीडिया यूज़र्स हैं जो उनके इस ट्वीट पर जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब से विराट और अनुष्का की शादी हुई है तब से इस तरह की तस्वीरें और फोटोज सामने आना ये ट्रेंड हो गया है। हालांकि देखिए, फिल्म स्टार्स हों या फिर बड़े चेहरे हों, जब जब उनसे जुड़ी इस तरह की खबरें होती हैं तो सोशल मीडिया पर लाइमलाइट भी बटोरते हैं, वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ चर्चा का विषय भी रहते हैं, लोग उन्हें देखते भी हैं। कोई अच्छे तरीके से कमेंट करता है तो कोई इस पर भद्दे कमेंट भी करता है, ये अपनी अपनी चॉइस रहती है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट की इस टाइमिंग को लेकर सवाल अब एक तरफा ये पूछा जा रहा है कि विवेक अग्निहोत्री को राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई से आखिर दिक्कत क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी पॉलिटिकल एक एंगल वो निकाल रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा हैं। हो सकता है, विवेक अग्निहोत्री बेहतर जानते हैं। हालांकि ITV नेटवर्क की तरफ से तो राघव और परिणीति को बहुत बहुत बधाई, दोनों इसी तरीके से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जोड़ी सुपर डुपर हिट रहे, क्यूट तो लग ही रही है। बाकी विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट को लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा।